गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओके, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एल्टीट्यूड मेडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट है प्रैक्टिस सेट 4.1 में? एनी डाउट? यस मानसी। यस सर। हाँ बोलिए सर, आपने होमवर्क अपलोड किया था क्या? वन सेकंड, चेक करना पड़ेगा क्योंकि ना होमवर्क आया ही नहीं था इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं। आपने किया होमवर्क? नो। ओके, तो हो सकता है मैं भूल गया हूँ, क्योंकि सर कुछ काम था इसीलिए लेट हमको भूल मैं भूल गया था, सॉरी उसके लिए। ओके, और आप लोग होमवर्क नहीं किए हैं कुछ लोग, तो वो लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है प्रैक्टिस सेट 4.1 में? ओके, तो आज हम लोग का नया चैप्टर जो है वो एक्सपांशन फॉर्मूला है। ओके, तो एक्सपांशन फॉर्मूला में क्या है कि हम लोग कैसे, जैसे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। जैसे ये आपका फर्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला। ओके, तो इसका होल स्क्वायर है, इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, तो ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है मतलब कि ए प्लस बी को हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे आपका ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ओके, ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए को ए के साथ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस ए इंटू बी, ये हो गया आपका ए बी, प्लस बी इंटू ए, ये भी हो गया आपका ए बी, प्लस बी इंटू बी, ये हो गया बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा आपका 2ab। ओके, फिर आपका ये प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होगा। ओके, नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ए माइनस बी को यानी कि टू टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। बस
तो यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा a इंटू ए माइनस बी, ओके, माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे फिर a इंटू ए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर इंटू ए माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू माइनस बी में तो ये यहाँ पे होगा माइनस और ए बी यहाँ पे लिखेंगे, ओके, और यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी में a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस, b और b में मल्टीप्लाई होगा तो बी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ओके, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर जब रहे उसका एक्सपांसन हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो एक्सपांसन होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ओके, तो ये आपको क्लियर है कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर बोथ? अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे क्या होगा, ठीक है, तो चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a और a माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा a इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके, तो यहाँ पे a और a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, a और माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी होगा, प्लस b और a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और b और माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, ओके, अब यहाँ पे माइनस ए बी है और यहाँ पे प्लस ए बी है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ओके, ये चीजें आपने अभी तक पढ़ा है, तो ये तीनों आपको एक्सपांशन क्लियर है। अब हम लोग कुछ ये एग्जांपल दिया हुआ है इसको करते हैं, तो यहाँ पे x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि x के प्लेस पे a है तो x का स्क्वायर यहाँ पे होगा, ओके, फिर प्लस टू ए बी तो यहाँ पे टू इंटू ए बी तो टू इंटू, अब यहाँ पे क्या है x है तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे टू वाई है तो यहाँ पे टू वाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू टू या फोर एक्स वाई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर एक्स वाई, ओके, तो आप लोग नेक्स्ट इसमें बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, इस बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू एक्स माइनस फाइव वाई का होल स्क्वायर है या सुभागनी, कौन बताएगा, सर कैन आई टेल, यस इट विल बी फोर एक्स, फोर एक्स, ओके, और यहाँ पे ट्वेंटी फाइव ओनली 25, नो 25 वाई स्क्वायर, ओके 25 y square और here
4x, ओनली 4x। 4x स्क्वायर। यस 4x स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर, ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे 2x है। ओके तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे हो गया 2x का होल स्क्वायर। ओके 2x का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन होगा। फिर 2 इंटू ए बी, तो ए का वैल्यू 2x है तो इंटू 2x इंटू 5y, 5y ओके प्लस 5y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 2x का होल स्क्वायर, जब हम करेंगे तो 2 2 जा 4, मतलब 2x को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके 2x को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 2x क्या होगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। ओके यहाँ पे 4x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ पे 20xy। एंड यहाँ पे होगा आपका 5y स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर, 5y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5xy इंटू 5y, डेट इज 25y स्क्वायर। ओके नेक्स्ट 101 का होल स्क्वायर है, ठीक है। 101 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, वन हंड्रेड वन इंटू 101। ओके अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही क्या होगा, 101 स्क्वायर का वैल्यू होगा। ओके बट हम लोग एक्सपांशन फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो एक्सपांशन फार्मूला से हम लोग इसको कर सकते हैं, 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 101 को, यस और नो? ओके यस। तो 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे हमने लिख दिया है। अब फिर इसका एक्सपांशन फॉर्मूला हमें पता है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे होगा आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 1, 100 इंटू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 1 स्क्वायर, तो ये होगा 100 का स्क्वायर, क्या होगा 100 का स्क्वायर में क्या होगा, इस पे 1 पे 4 जीरो होगा। ओके प्लस 2 इंटू 100, तो यहाँ पे होगा 200 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 1 0 2 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो 10,201 हुआ, 101 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप 101 का स्क्वायर करोगे तो ऐसे करते होगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, 101 इंटू यहाँ पे लगाओगे, फिर यहाँ पे ऐसे करोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट आपको एक्सपेंशन फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत इसको कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। और इसमें तुरंत आप क्या करोगे, 101 को इस 101 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ये मतलब जल्दी से हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 98 स्क्वायर है, ठीक है, 98 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 98 को हम लिख सकते हैं 98 का स्क्वायर। ओके तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, ठीक है, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा आपका 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो
ये 100 माइनस 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सपांशन फॉर्मूला पे हम लोग इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर यहाँ पे 10,000 माइनस 2 जा 4 इंटू 100 400 प्लस 2 जा 4, तो इसमें से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा 9,600 प्लस 4 और ये हो जाएगा 9,604। ठीक है, देखिए 98 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो मतलब 9 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 9 से फिर 8 को ऐसे, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये क्या है आपका बहुत शॉर्ट में ये निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट 9 ये हो गया, फिर 5m प्लस 3n इंटू 5m माइनस 3n। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए प्लस है यहाँ पे माइनस है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि 5m का होल स्क्वायर माइनस 5m यहाँ पे 3n होगा, 3n का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व, 5m का होल स्क्वायर 25m स्क्वायर, 3n का होल स्क्वायर 9n स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्सपेंड एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यूजिंग फॉर्मूला फॉर एरियाज ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे इसको एक्सपांड करना है कैसे, यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल फॉर्म में कुछ एरियाज गिवन है, जैसे ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो जब कोई स्क्वायर हो ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, अगर दोनों अगर साइड का वैल्यू एक्स है तो उसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर है। फिर यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है x और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है b, तो इसका एरिया क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है तो इसका एरिया एक्स बी होगा। ओके, फिर यहाँ पे इसका लेंथ है a और फिर इसका लेंथ है x, तो a इंटू एक्स ये हो गया ए एक्स, इसका एरिया हो गया ए एक्स। फिर इसका लेंथ जो है वो है आपका a और इसका लेंथ है b, ये वाला लेंथ जो है वो b है और ये है a, तो a इंटू बी ये रेक्टेंगल है तो ए बी इसका लेंथ हुआ, तो वैल्यू क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स ये वाला प्लस बी एक्स ये वाला फिर प्लस ए बी मतलब कि ये वाला। ओके, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस, ये एक आपको एक्टिविटी दिया हुआ है समझने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एक्सपांशन हुआ वो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमको इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखना है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x का जो वैल्यू है ठीक है, x को हम दोनों में x है तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x जब आप कॉमन ले लोगे, कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो वैसे ही एक्स स्क्वायर होगा, प्लस x कॉमन निकालोगे तो ए प्लस बी होगा प्लस ए बी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका ये हो गया। ओके, तो इसका एक्सपांशन क्लियर है सबको, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू दिस, क्लियर। ओके, कुछ क्वेश्चन है हम लोग करते हैं, जैसे एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री है ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि x प्लस टू
इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे x और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है प्लस। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि ये a यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ज्यादा क्लियर होगा। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी ये फॉर्मूला है। यहाँ पे x x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए a b यहाँ पे है और यहाँ पे x और x है, तो यहाँ पे a b के जगह पे क्या है 2 और 3 है, तो 2 प्लस 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 3 ओके इंटू x प्लस। अब यहाँ पे a और b में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 2 इंटू 3 मतलब यहाँ पे 6 होगा, 2 इंटू 3 डेट इज 6, 2 into 3। अब ये होगा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5x प्लस 3 into 2 6 ओके। तो ये x प्लस 2 into x प्लस 3 का एक्सपांशन जो है वो हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ओके। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है आपका y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 3, इसको आप लोग करिए चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, आप लोग सॉल्व करिए, आप लोगों को मैं 2 मिनट का समय देता हूँ ओके। अभी 6:23 हो रहा है, 6:25 में आपको बताना है। सबने कर लिया, मैंने पिछले मानसी हेलो इमेडिबल ओके। तो मैंने पिछले क्लास में जो है होमवर्क मैंने अपलोड किया था ओके, मानसी आप चेक कर लेना एक बार। ओके सर आई विल चेक इट। मैंने अपलोड किया था, मैंने चेक किया अभी तो देखा कि अपलोडेड है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो क्या होगा, वाई और वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 होगा ओके।
माइनस थ्री इंटू वाई प्लस फोर इंटू थ्री, तो ये हो गया फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस ट्वेल्व। ओके, तो किसका किसका करेक्ट है, मानसी का और निधि का। ओके वेरी गुड, निधि एंड मानसी। ओके और बाकी लोगों को क्लियर है? कार्तिक क्लियर है आपको? श्रुति ओके सो वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट, ये आपका है 2a+3b इंटू 2a-3b, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। टू ए प्लस थ्री बी इंटू 2a-3b, एक तो तरीका है ये कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है वैसे हम लोग कर देंगे, ठीक है, वो सिंपल है। बट हम लोग एक और कंडीशन हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे भी 2a है, तो 2a और 2a का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर। ओके फिर यहाँ पे हम लोग प्लस साइन लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये इसको और इसको क्या करते थे, ऐड करते थे, तो यहाँ पे थ्री बी, अब यहाँ पे माइनस थ्री बी है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस थ्री बी ओके। और फिर यहाँ पे एक्स वाला को मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे, तो इंटू टू ए, यहाँ पे टू ए के जगह पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्स था, यहाँ पे 2a लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस 3b इंटू माइनस 3b, 3b इंटू 3b क्या होगा, 9b स्क्वायर। तो ये 3b माइनस 3b क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो जीरो को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है एम प्लस थ्री बाई टू इंटू एम प्लस वन बाई टू। ओके तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेम जैसे अभी हम लोगों ने कर रहा था वैसे, यहाँ पे एम और एम है तो यहाँ पे एम स्क्वायर होगा, और ए के टर्म पे थ्री बाई टू है और बी के जगह पे वन बाई टू है, तो थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू इंटू एम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू, थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू, तो ये हो गया एम स्क्वायर, और इसको इसको ऐड करेंगे तो ये होगा टू एम, उसके बाद फिर प्लस थ्री इंटू थ्री और टू इंटू टू डेट इज थ्री बाई फोर। अब यहाँ पे थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस सेवन है, ओके दोनों जगह पे क्या है, माइनस है, बट अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक्स यहाँ पे प्लस हो, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो उसे हम लोग को घबराना नहीं है, करना क्या है, ये जहां जहां पे प्लस है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको मतलब कि प्लस ही लिखेंगे, और जहां पे जैसे कि यहाँ पे देखिए हम बताते हैं इसको, यहाँ पे एक्स के एक्स और एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, अब यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, माइनस थ्री है, क्या है माइनस थ्री, इसको हम लोग माइनस थ्री लेंगे, ठीक है। तो माइनस थ्री अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह पे माइनस थ्री और बी की जगह पे भी माइनस सेवन है तो यहाँ पे माइनस सेवन रखेंगे, फिर इंटू एक्स, फिर प्लस, और यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये होगा माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस टेन एक्स प्लस सेवन थ्री जा 21 और माइनस माइनस प्लस। ओके तो ये आपको क्लियर है। उसके बाद फिर आगे है ए प्लस टू इंटू ए माइनस वन,
इसको आप लोग करेंगे अभी, ए प्लस टू इंटू ए माइनस वन। क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करिए सारे लोग। ओके कार्तिक ने सॉल्व भी कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू। ओके मानसी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस सिक्स। ओके आपका यहाँ पे सिक्स आया है, दोनों का डिफरेंट। मानसी आपने कहीं मिस्टेक किया है, इतना नहीं आएगा, चेक करो फिर से। हेलो सर। यस सर, बाय मिस्टेकली आई राइट देयर सिक्स बट इट इज टू ओनली। ओके ओके ओके, तो सबका जो है वो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू आया। ओके तो ठीक है, सबका सबने सही किया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग अभी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, थर्टीन प्लस एक्स इंटू थर्टीन माइनस एक्स। ओके यहाँ पे आपका थर्टीन यहाँ पे है, ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ वैसे ही जैसे इसको सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी करेंगे, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। ओके मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन में है वन बाई वाई प्लस फोर इंटू वन बाई वाई माइनस नाइन, वन बाई वाई प्लस फोर इंटू, अच्छा मानसी आपका ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू होगा। ओके प्लस टू के प्लेस पे माइनस टू होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस टू है और यहाँ पे माइनस वन है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू होगा। ओके सर। ओके इनटू वन बाय वाई माइनस नाइन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन। अब यहाँ पे वन बाई वाई और वन बाई वाई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे होगा वन बाई वाई का होल स्क्वायर। फिर प्लस, अब यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे लिखेंगे फोर, अब यहाँ पे माइनस नाइन है तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस नाइन इंटू, अब यहाँ पे क्या है वन बाई वाई है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन बाई वाई। अब यहाँ पे प्लस फोर और माइनस नाइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, नाइन और फोर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो ये होगा आपका वन बाई वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस नाइन, फोर माइनस नाइन क्या होगा माइनस फाइव, माइनस फाइव यहाँ पे लिखेंगे माइनस फाइव
और माइनस फाइव में वन बाई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव बाई वाई होगा, फिर माइनस 36। तो ये है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये काफी इजली है, ठीक है, इजली सॉल्व हो जाएगा आपका ये। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन 9 को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके डन। नेक्स्ट एक्सपांशन है ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ए प्लस बी को 3 times हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे है ए प्लस बी टू द पावर होल 3, मतलब ये कि ए प्लस बी को हम 3 times मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको कौन सॉल्व कर सकता है, रेज योर हैंड, इसको कौन 3 times मल्टीप्लाई कर सकता है, हु कैन मल्टीप्लाई 3 times ए प्लस बी। एनीवन, आपको बस हैंड रेज करना है, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मल्टीप्लाई कर सकता है। ओके कार्तिक, ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी को फिर ए प्लस बी के साथ, ए प्लस बी और ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इस बी को इस ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया ब्रैकेट में और फिर यहाँ पे हो गया ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्यों करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे ए प्लस बी यहीं पे हम लोग डायरेक्ट लिख दिए बिना ब्रैकेट के। ओके, तो ब्रैकेट एक लगाना जरूरी है। फिर यहाँ पे हो गया आपका ए ए इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे ए प्लस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कुछ कुछ सॉल्व करने का है क्या, ए बी और ए बी है, इसको ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब फिर हमको इसको इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब ये बी बचा है तो बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए और ए स्क्वायर में, तो ए क्यूब होगा प्लस टू ए स्क्वायर बी
ए बी स्क्वायर। ओके कार्तिक ने कर भी लिया, ओके गुड, वेरी गुड कार्तिक। प्लस बी में ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी, फिर बी में टू ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए बी स्क्वायर, प्लस बी में बी के बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब होगा। ओके तो यहाँ पे जो है वो क्या क्या आया यहाँ पे देखिए, तो ए स्क्वायर बी है, और कहीं पे है क्या ए स्क्वायर बी, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ए क्यूब को पहले पहले लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर बी, टू ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी कितना होगा थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस, अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर है और यहाँ पे टू ए बी स्क्वायर है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो टू प्लस वन थ्री ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसका वैल्यू। अब यहां से अगर आप चाहो तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपांसन ये भी हो सकता है, और एक इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लो, ठीक है। तो मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे, तो ए क्यूब प्लस यहाँ पे थ्री दोनों में है तो थ्री कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, यहाँ से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी थ्री ए बी कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या क्या यहाँ पे, यहाँ पे टू ए मतलब ए का ए दो टू टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो एक ए यहाँ पे रहेगा, और फिर इसमें बी जो है वो टू टाइम्स है तो एक बी यहाँ पे रहेगा, तो ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ओके तो ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ओके क्लियर हो गया ये, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे x प्लस थ्री का होल क्यूब है। ओके तो इसको x के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 3 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे a की जगह पे x और b के जगह पे 3, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए क्यूब है तो यहाँ पे होगा एक्स क्यूब, फिर थ्री ए स्क्वायर भी है तो थ्री लिखेंगे, फिर इन टू एक्स ए के जगह पे स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा इन टू थ्री, फिर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स के जगह पे ए रखेंगे तो थ्री इन टू एक्स, इन टू बी के जगह पे थ्री रखेंगे तो थ्री स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे थ्री रखेंगे तो ठीक। ओके बस हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, सारे लोग इसको याद कर लेंगे। ओके तो यहाँ पे होगा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब थ्री इंटू थ्री नाइन एक्स स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री स्क्वायर तो थ्री स्क्वायर का वैल्यू नाइन, नाइन इंटू थ्री 27 एक्स, थ्री का क्यूब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री मतलब थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, ओके तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे 3x plus 4y का होल क्यूब है, तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वी नो डेट a plus b का होल क्यूब इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है, वी नो डेट a plus b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस
थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, उसके बाद फिर आपको ए के प्लेस पे 3x पुट करना है और बी के प्लेस पे 4y पुट करना है। तो यहाँ पे 3x का होल क्यूब होगा प्लस 3 इंटू 3x यहाँ पे रखेंगे इंटू 4y प्लस 3 इंटू 3x इंटू 4y का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल क्यूब। ओके, तो ये 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x³ प्लस 3 × 3² ये हो गया आपका 3x² ये हो गया आपका 9² × 4y प्लस 3 × 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर 16y² प्लस 4y का होल क्यूब जो है वो होगा, मतलब 4y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4y को 3 टाइम्स 4y × 4y × 4y। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, वाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो y³। उसके बाद और सिंप्लीफाई करेंगे 27x³ प्लस 4 × 9 36, 36 × 3 108x² y प्लस 3 × 3 9, 16 × 9 144। अब यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस 64y³। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 2m/n प्लस n/2m का होल क्यूब करना है। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन में भी मतलब कुछ सोचना नहीं है, बस जैसा आपका फॉर्मूला है उसको इसको पुट करना है। तो यहाँ पे 2m/n है ए के प्लेस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2m/n का होल क्यूब प्लस 3 × a का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का यहाँ पे क्या है, 2m/n है, तो 2m/n का स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर जो दिया हुआ है ब्रैकेट में है, मतलब कि 2m का भी स्क्वायर हो रहा है और n का भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये पूरे पे स्क्वायर है, ये नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, सही बनाते हैं, उनको फॉर्मूला भी सही पता होता है, लेकिन करते क्या है, 3 लिखेंगे इंटू, अब यहाँ पे वो करते क्या है 2m, अब यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं स्क्वायर लिख देते हैं / n। ठीक है, और ऐसे कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 2m² ठीक है, 2m² का मतलब हुआ सिर्फ m पे आपका स्क्वायर है, n पे नहीं है, 2 पे भी नहीं है। तो इसीलिए आपको ये मिस्टेक नहीं करना है और आपको होल पे 2 लगाना है। ओके, फिर इंटू n/2m प्लस 3 × 2m/n इंटू यहाँ पे बी स्क्वायर होता है तो n/2m का होल स्क्वायर प्लस n/2m का होल क्यूब। ठीक है, जो भी होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन में है तो मतलब होल करके होगा, मतलब ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिखेंगे पावर्स को। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2m को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m × 2m × 2m, तो ये होगा 8m³। फिर n को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n³ होगा प्लस 3 × 4m, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अब स्क्वायर करके लिखेंगे तो 2m × 2m 4m² यहाँ पे n² होगा, फिर यहाँ पे n/2m होगा प्लस 3 × 2m/n इंटू यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो n² होगा, फिर इस 2m का स्क्वायर 4m² प्लस n³ का क्यूब n³ होगा और 2m का क्यूब 8m³। ओके, तो यहाँ पे जो जो कट जाएगा उसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n है और यहाँ पे n² है। ठीक है, तो ये n और यहाँ पे पावर ये खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2m है और यहाँ पे 4m² है, तो ये कितना हो जाएगा 2m। ठीक है, और ये हो गया आपका n हो गया। ठीक है, यहाँ पे n और ये हो जाएगा n 2m और ये हो जाएगा 2m यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग इसको कट करेंगे, फिर ये हो जाएगा 8m³/n³। अब यहाँ पे 3 × 2m 3 × 2m 6m/n प्लस 3n/2m
तो 3n डिवाइड बाई 2m प्लस एन क्यूब डिवाइड बाई 8m क्यूब। ओके तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। फिर यहाँ पे है 41 का होल क्यूब करना है, तो 41 का होल क्यूब करना है, तो आप अभी तक क्या करते थे, 41 का होल क्यूब करने के लिए 41 into 41 into 41 करते थे। ओके और फिर 41 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो आता था उसको फिर 41 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अभी हम लोगों ने क्यूब का एक्सपांशन पढ़ा है, तो हम 41 को लिख सकते हैं 40 plus 1। ओके क्या लिख सकते हैं, 40 plus 1 उसका होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, a का होल क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ओके तो यहाँ पे 40 क्यूब होगा, फिर प्लस 3 into a² मतलब 40² प्लस इंटू 1 प्लस 3 into 40 into 1² प्लस 1 क्यूब। 40 का होल क्यूब जो है वो 4 का क्यूब करेंगे, तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 हो गया। और यहाँ पे 0 1 1 0 है, और इसको 3 3 क्यूब कर रहे हैं, तो कितना जीरो हो गया, यहाँ पे 3 0 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है और फिर यहाँ पे 40² का कितना वैल्यू होगा, 4 4 जा 16 मतलब 1600 1600 इंटू 3 तो 4800। फिर 3 into 40 into 1 1 का स्क्वायर 1 3 into 40 120 1 का क्यूब 1 अब सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया 68921। ओके तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में किसी को कहीं पे डाउट, एनी डाउट? ओके तो आगे आपका प्रैक्टिस सेट 5.2 है, इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। जैसे k प्लस 4 का होल क्यूब है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे 52 का होल क्यूब है, तो 52 का होल क्यूब है तो कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? सर बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ओके फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन 52 को क्या लिखेंगे, 50 plus 2। यस ग्रेट, इसको 52 को 50 plus 2 लिखेंगे। ओके और फिर इसका होल क्यूब लिख करेंगे। नेक्स्ट है 101, तो 101 को लिखेंगे 100 प्लस 1 का होल क्यूब। ओके फिर इसके बाद फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे x प्लस 1 बाई x का होल क्यूब है। ठीक है तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया है, वैसे ही इसको भी क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 3 के जैसा है, तो उसको आप लोग सेम टू सेम वैसे ही कर लोगे। ठीक है तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा x प्लस ए इंटू x प्लस बी का एक्सपांशन, ये होता है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके अब अगर केस यहाँ पे माइनस का होता है, दोनों जगह पे अगर माइनस रहे, तो हम लोग ए को माइनस ए के साथ और बी को माइनस बी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ओके फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका एक्सपांशन होता है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब,
इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस, अब यहाँ पे 3ab हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ओके, तो इसका ए प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपांशन ये भी होता है। ओके, तो आज हम लोग आज आपका होमवर्क जो है वो प्रैक्टिस सेट 5.2 एंड प्रैक्टिस सेट 5.1 आप लोग करेंगे। ओके, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ अभी, आप लोग वहां पे देख लेंगे। ठीक है, अगर इसमें किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है 5.1 या 5.2 में तो आप पूछ सकते हो। ओके, वो किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।